नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहली अपील है कि घर से तभी निकले जब आपको ज़रूरी काम हो, साथ ही मास्क लगाना ना भूलें। अब बात करें राजनीति से जुड़ी इस खबर की, तो सबसे बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है, जहाँ पर संघ और संगठन की एक फिक्सिंग हुई है और ये फिक्सिंग हुई है सिंधिया समर्थक मंत्रियों को लेकर हुई है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई मैं आपको बता रहा हूँ। भोपाल से निकलने वाला एक निजी पेपर की माने तो उसमें जिस तरीके की खबर निकल के आई, जिस तरीके की जानकारी निकल के आई, उसमें माना जा रहा है कि सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। खासकर अगर बात की जाए तो बिसाऊलाल साहू की बात की जाए, तो जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जो जिस समाज से जुड़ा हुआ यह बयान था उसे लेकर भारी चिंतित हैं, क्योंकि लगातार उस समाज से जुड़े हुए कई मंत्री भी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कई नेता भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में बयान को लेकर भारी नाराजगी संघ और संगठन में है। अब अगर बात की जाए तो जिस तरह की जानकारी हमारे पास निकल के आ रही है, जिस तरह की अपडेट हमारे पास निकल के आ रही है, ऐसा माना जा रहा है कि संघ और संगठन ने एक फिक्सिंग की और ऐसा माना जा रहा है कि जो सिंधिया समर्थक मंत्री है उनको इस मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। खासकर अगर बात की जाए तो 12 मंत्री ऐसे हैं जो इस मंत्रिमंडल में शामिल है सिंधिया समर्थक, उनमें से तकरीबन 6 मंत्रियों को हटाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो संगठन इस बात से भी नाराज़ है लगातार कि सिंधिया की सुने या संघ की सुने, तो संगठन उसे लेकर भी जो लगातार असमंजस की स्थिति में था। तो अब जिस तरीके से हमने देखा किस तरीके से लगातार 1-to-1 मंत्रियों की और विधायकों की बैठकें हुई थी और संगठन ने और संघ ने जो है उनसे चर्चा की थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि फीडबैक लिया गया, फीडबैक के आधार पर जो है अब मंत्रियों की छुट्टी की जाएगी, खासकर सिंधिया समर्थकों की। क्योंकि जिस तरीके से आप और हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, जब से सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, खासकर अगर बात की जाए तो उनके लोग और उनके सिंधिया समर्थक जिस तरीके से सिंधिया समर्थकों को जिस तरीके से मंत्री पद में शामिल किया गया, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी लगातार नाराजगी आए हुए थे। और खासकर बात किया तो क्योंकि उनको मंत्री बना दिया गया था और सालों से जो नेता हैं वे लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, ऐसे में उनको मौका नहीं मिला और जो हाजी कली किसी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उन्हें मंत्री बना दिया गया, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता घाटी नेता है वे नाराज थे। अगर बात की जाए तो जानकारी निकल के हमारे पास ये भी आ रही है कि संगठन जो है आने वाले कुछ दिनों में संघ और संगठन दोनों मिलकर जो है सरकार के मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और खासकर अगर बात की जाए तो सिंधिया समर्थकों के मंत्रियों की जो है छुट्टी हो सकती है, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अगर थोड़ी और अंदर की बात की जाए तो जो जानकारी निकल के आ रही है कि संघ चाहता है, संगठन चाहता है कि आगामी जो 2023 चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीते, ऐसे में पार्टी के बीच में भी कोई अंदरूनी कला ना हो, कोई नाराजगी ना हो, कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी ना हो, इसे लेकर भी पार्टी चाहती है, संगठन चाहता है कि अभी से ही जो रणनीति तैयार की जाए। तो ऐसे में पार्टी चाहती है कि आगामी जो मंत्रिमंडल है उसमें थोड़ा बदलाव किया जाए और मंत्रिमंडल में बदलाव होने के बाद जो पार्टी में थोड़ी सी जो असंतुष्ट की स्थिति बनी हुई है उस पर जो है थोड़ी मजबूती पाई जाएगी। ऐसे में जो एक खबर निकल के आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस तरह की तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।